हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश और मैं हूं शैवा। स्वागत है आपका गैजेट्स दुनिया के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। हम आपको लेकर चलते हैं गैजेट्स की एक अनोखी दुनिया में, गैजेट्स दुनिया जहां आप चलते हैं टेक्नोलॉजी की सैर पर। तो शुरू करते हैं आज का सफर और आपको रूबरू कराते हैं नए और बेहतरीन गैजेट्स से, जिससे आप खरीद पाते हैं किफायती और अच्छे गैजेट्स। साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं फ्यूचर के गैजेट्स की राइड पर, ताकि आप जान पाए कि कैसे होने वाले हैं फ्यूचर के गैजेट्स। सिर्फ गैजेट्स ही नहीं, हम आपको लेकर चलेंगे एप्स की दुनिया में भी, और ऐसे चुनिंदा एप्स के बारे में भी जानकारी देंगे जिससे आपके गैजेट्स रहेंगे स्ट्रॉन्ग। तो शुरू करते हैं आज का सफर। जैसे कि हमेशा होता है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे गैजेट से जिसे तुमने हफ्ते भर से पसंद किया है हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, और आज भी ऐसा ही करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं जो गैजेट लेकर आया हूं अनोखा है, नया है और मार्केट में आते ही उसने धूम मचा दी है। अच्छा, कौन सा गैजेट है वो? बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले ये भी बता दूं कि ये इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट नहीं है, इसके पहले भी कई प्रोडक्ट आए जिन्होंने बाजार में धूम मचाई है। आई थिंक तुम सैमसंग की बात कर रहे हो। अरे नहीं, माना कि सैमसंग इन दिनों मार्केट में छाया हुआ है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं उस कंपनी की जो कि सैमसंग को सबसे कड़ी टक्कर देता है, या ये कह सकते हैं कि सैमसंग का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। फाइन, मैं समझ गई कि तुम एप्पल के किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। हाँ सही समझे शाइवा, और साथ ही यही बता दूं कि एप्पल की बात तो कर ही रहा हूं, और ये भी जानना जरूरी है कि एप्पल ने हाल ही में अपने आईपैड का नया वर्जन मार्केट में लॉन्च किया है। हाँ हाँ, लेकिन पहले से ही एप्पल के इतने सारे टैबलेट्स मार्केट में ऑलरेडी हैं, तो अब इसकी क्या खासियत है? इस आईपैड की खासियत ये है कि अब तक का सबसे हल्का आईपैड है, और शायद इसीलिए एप्पल ने इसका नाम दिया है आईपैड एयर। जनरली बाकी टैबलेट्स का वेट आई थिंक हाफ किलो तो हो ही जाता है। हाँ वो तो है, लेकिन एप्पल का दावा यह है कि इसका जो नया आईपैड है, इससे हल्का आईपैड कोई टैबलेट अगर कहूँ तो मार्केट में अभी नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, हल्के होने की वजह से उसके अंदर फीचर्स कम तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। टैबलेट भले ही हल्का हुआ हो, लेकिन इसके फीचर्स बिल्कुल हल्के नहीं हुए हैं, या फिर अगर ऐसा कहूँ कि टैबलेट हल्का हुआ है और फीचर्स भारी हो गए हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। फिर तो मैं इसके बाकी के फीचर्स भी जानना चाहती हूँ। और आपके साथ शायद अब दर्शक भी जानना चाहते होंगे, तो और इंतजार नहीं करवाते हैं, सीधे चलते हैं एप्पल के आईपैड एयर के फीचर राइट पर। एप्पल ने मार्केट में एक और धमाका कर दिया है। उसने आईफोन 5S और 5C के बाद आईपैड मिनी का नया वर्जन मार्केट में उतार दिया है। आईपैड मिनी के इस वर्जन को एप्पल आईपैड मिनी 2 ना कहकर आईपैड एयर कह रहा है, जिसकी वजह ये है कि ये अब तक का सबसे हल्का और पतला आईपैड है। साथ ही एप्पल का दावा है कि इससे हल्का टैबलेट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हम इस टैबलेट के लुक की बात करते हैं। इस टैबलेट का लुक पिछले वर्जन की तरह ही है, लेकिन ये काफी स्लीक है, यानी पतला है, और इसका वजन मात्र 1 पाउंड है, जो पहले से 28% कम है। हल्का होने के बावजूद इसके फीचर्स में एप्पल ने कोई कमी नहीं बरती है। हार्डवेयर के मामले में ये अपने पूर्वज आईपैड से भी बेहतर है। एप्पल ने इस टैबलेट में अपनी लेटेस्ट A7 चिप लगाई है, जो स्पीड के मामले में किसी भी प्रोसेसर को पीछे छोड़ सकता है। साथ ही एप्पल ने आईपैड एयर M7 को प्रोसेसर भी लगाया है, ताकि स्पीड के मामले में कोई कमी ना रह जाए। साथ ही एप्पल ने इस टैबलेट में 9.7 इंच का रेटिना डिस्प्ले लगाया है, जिसका रेजोल्यूशन 2048x1536 है। आईपैड एयर की स्क्रीन 3.1 मिलियन पिक्सल से मिलकर बनी है। एप्पल ने आईपैड एयर की बैटरी लाइफ भी बढ़ाई है। अब ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है और बैटरी की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो कनेक्टिविटी के मामले में एप्पल ने आईपैड एयर में वाईफाई की नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। इस बार वाईफाई ड्यूअल बैंड पर काम करता है, और 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज के दो पार्ट्स में एप्पल ने इसे बांट दिया है, जिसकी स्पीड अब 300 Mbps तक हो सकती है। तो सेल्यूलर कनेक्टिविटी के मामले में एप्पल ने इसे LTE यानी 4G टेक्नोलॉजी से लेस किया है, ताकि नेट यूज करने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कैमरे के मामले में एप्पल ने इस बार 2 कैमरे दिए हैं। फ्रंट कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, तो बैक कैमरा 5 मेगापिक्सल का आईसाइट कैमरे की टेक्नोलॉजी से लेस है। दोनों ही कैमरे HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
वहीं इस टैबलेट में बाकियों की तरह 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया हुआ है। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर के मामले में सीरी, एयरप्ले, एयर ड्रॉप जैसे फीचर्स भी दे रहा है। तो है ना ये कमाल का आईपैड, जो वजन के मामले में तो पहले से कहीं हल्का है, लेकिन फीचर्स के मामले में इसे बिल्कुल भी हल्का नहीं कहा जा सकता। फीचर्स के मामले में तो iPad Air बिल्कुल भी हल्का नहीं है, पर हाँ बाकी के iPads पर iPad Air बहुत भारी पड़ने वाला है। Apple की यही तो खासियत है कि वो अपने क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन अपनी कीमत से भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो अच्छे प्रोडक्ट के लिए दाम भी तो अच्छे लगेंगे शाइबा। वेल नरेश, मुझे याद है कि एक बार तुमने बताया था कि एप्पल आई वॉच पे काम कर रहा है। हाँ शाइबा, कहा तो था, लेकिन अभी इस आई वॉच के मार्केट में आने में कुछ वक्त है। हाँ ये बात अलग है कि वो अभी मार्केट में नहीं आया, बट मुझे उसके फीचर्स को जानने में बहुत ही दिलचस्पी है, तो आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कि उसके फीचर्स कैसे होंगे। एग्जैक्ट आइडिया तो शायद मुश्किल हो, लेकिन मार्केट में कई तरह के र्यूमर्स हैं जिससे कुछ अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि ये आई वॉच कैसी रहने वाली है। तो मेरे ख्याल से आपका कहने का मतलब है कि इसका सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं हम कि कैसा होगा। नहीं शाइबा, ऐसा नहीं कि कुछ भी पता नहीं, जहां तक लुक की बात है मुझे पूरा पता है ये एक वॉच की तरह होने वाली है। नरेश क्यों मजाक कर रहे हो, जब नाम ही आई वॉच है तो वॉच तो होंगी। हाँ वो तो है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स भी लीक हुए हैं, मैं उनके बारे में बता सकता हूँ कि इसके फीचर्स कैसे रहने वाले हैं। यानी प्रेडिक्शन? नहीं पूरी तरह प्रेडिक्शन नहीं है शाइबा, कुछ तो पता है, कुछ जानकारी है, कुछ प्रेडिक्शन है और कुछ एप्पल का अब तक का रिकॉर्ड बताता है। वो क्या है शाइबा? इम्पोर्टेंट ये है कि एप्पल ने अभी तक कोई भी प्रोडक्ट आधे अधूरे नहीं उतारे, इसका हर प्रोडक्ट पूरी तरह कम्प्लीट होता है। वो कैसे नरेश? शाइबा जैसे कि सैमसंग और सोनी, इन दोनों ने स्मार्ट वॉच मोबाइल एक्सेसरीज के तौर पर मार्केट में लॉन्च की है, लेकिन ये स्मार्टफोन के बिना बेकार है। अब माना यह जा रहा है कि एप्पल शायद ऐसा ना करे, एप्पल एक फुल प्रोडक्ट लेकर आए, यानी बिना स्मार्टफोन के भी ये फंक्शनल हो और पूरा का पूरा अपने आप में एक स्मार्टफोन हो। तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ज्यादा वेट नहीं कराते हैं दर्शकों को और सीधे लेकर चलते हैं आई वॉच के प्रिडिक्टेड फ्यूचर राइट पर। जब से मार्केट में स्मार्ट वॉच आई है तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एप्पल भी जल्द ही अपनी आई वॉच लॉन्च कर सकता है, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है क्योंकि सूत्रों की माने तो एप्पल आई वॉच को एक्सेसरीज के तौर पर नहीं उतारना चाहता है और वो इसे फुल गैजेट की तरह मार्केट में पेश करना चाहता है, यानी कि एक पूरा स्मार्टफोन आपकी कलाई पर, या यूं कह लें कि आईफोन मिनी रिस्ट बैंड के साथ। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एप्पल आई वॉच में सेलुलर कनेक्टिविटी भी देना चाहता है, जिसकी वजह से आई वॉच अपने आप में परफेक्ट गैजेट होगी जो कि स्मार्टफोन को रिप्लेस करने की काबिलियत रखेगी। एप्पल इस आई वॉच की स्क्रीन पर काम कर रहा है कि कैसे इसकी स्क्रीन को इतना बड़ा किया जाए कि यूजर्स को इसे इस्तेमाल करने में आसानी रहे। तो रूमर्स तो यहाँ तक है कि एप्पल आई वॉच को फुल ट्रांसपेरेंट करना चाहता है, साथ ही इसमें दो कैमरे देना चाहता है, एक स्क्रीन के जस्ट ऊपर तो दूसरा सैमसंग की तरह रिस्ट बैंड पर। कुछ क्रिटिक्स ने तो इसे द नेक्स्ट बिग थिंग का नाम दिया है जो स्मार्टफोन की परिभाषा ही बदल डालेगी। रूमर्स तो ये भी है कि एप्पल आई वॉच में फ्लेक्सिबल स्क्रीन लगाएगा जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन की तरह तो काम कर ही सकेगा, साथ ही आपकी कलाई पर भी बंध सकेगा। लेकिन आई वॉच को हकीकत का जामा पहनाने में एप्पल को अभी वक्त लगने वाला है, तो इंतजार कीजिए 2014 के अंत तक एप्पल आई वॉच के जरिए मार्केट में नया धमाका कर सकता है। जब आईफोन ये लॉन्च करेगा तब मैं डेफिनेटली आई वॉच लेने वाली हूँ ताकि अपने फोन को भूलने की प्रॉब्लम से मैं छुटकारा पा सकूँ। हाँ वो तो है, लेकिन एक बात और भी है शाइबा की आई वॉच के बाद शायद प्राइवेसी का खतरा बढ़ जाएगा। हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है कि प्राइवेसी पे इफेक्ट आ सकती है, बट आई थिंक देयर मस्ट बी अ सॉल्यूशन टू इट। बिल्कुल शाइबा, सॉल्यूशन भी है, जैसे कि आप ब्लूटूथ या वाईफाई वाले हेडसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप इसके लाउडस्पीकर को ऑन किए बगैर बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको लगातार हेडसेट पहने रहना होगा। खैर वो तो तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी वक्त देखना पड़ेगा। क्यों, वक्त को क्या हुआ? दरअसल ब्रेक का वक्त हो गया है नरेश। अच्छा तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे एप्स की अनोखी दुनिया में। तो कहीं जाइएगा नहीं, जस्ट कीप वॉचिंग जानो दुनिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले तुमने हमें आई वॉच के बारे में बताया, तब से मैं सोच रही हूँ कि हमारे फ्यूचर के गैजेट्स कैसे होंगे।
वेल जैसे भी होंगे कमाल होंगे, और अब कुछ के तो डेमो भी आ चुके हैं। वो कैसे हैं? दरअसल सैमसंग ने खुद ही फ्यूचर का एक नमूना पेश किया था जिससे मोबाइल ही फ्लेक्सिबल स्क्रीन की मदद से टैबलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो, मोबाइल कैसे टैबलेट में बदल सकता है? क्या स्क्रीन उसकी इतनी ही बड़ी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी शाइवा, और स्क्रीन तो फ्लेक्सिबल होगी ही, इसका सॉफ्टवेयर भी इतना स्ट्रांग होगा कि स्क्रीन जितनी निकाली जाएगी सॉफ्टवेयर स्क्रीन को उसी हिसाब से सेट कर देगा। ये कैसे होगा नरेश? सेंसर्स और टेक्नोलॉजी की मदद से ये हो सकता है शाइवा। इसका मतलब है कि सैमसंग के कॉम्पिटिटर यानी एप्पल भी कुछ रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट लाने के फिराक में है। बिल्कुल सही शाइवा, और फ्यूचर के आईफोन में प्रोजेक्टर होगा, लेजर की भी होगी, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। अच्छा, यानी आईफोन ही कंप्यूटर का काम करेगा? नैनो टेक्नोलॉजी के दौर में सब पॉसिबल है, और मैं जल्दी से इनके बारे में जानना चाहती हूँ। तो चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं फ्यूचर के गैजेट्स की एक झलक जो आपके जीने का तरीका बदल देगी। स्मार्टफोन से लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं, और ये मोबाइल बनाने वाली कंपनियां भी समझ रही हैं। तभी तो सैमसंग ने फ्यूचर के गैजेट्स की एक झलक लोगों को दिखा दी है। सैमसंग की माने तो आने वाले समय में स्मार्टफोन ही टैबलेट में ट्रांसफॉर्म हो सकेंगे, यानी आपको बस अपनी स्क्रीन खींचनी है या फिर अपने स्मार्टफोन को अनफोल्ड करना है। साथ ही सैमसंग ने मोबाइल के साइड में स्क्रीन लगाने की भी ठान ली है, और इसकी शुरुआत उसने गैलेक्सी राउंड से कर भी दी है, जो कि एक कर्व फोन है। अब आप बिना अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन देखे सिर्फ साइड से ही मैसेज या अपडेट हासिल कर सकेंगे। नए अपडेट स्क्रॉल की तरह साइड में आते रहेंगे। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एप्पल अपने आने वाले आईफोन में लेजर प्रोजेक्टेड कीबोर्ड फिट कर सकता है, साथ ही 3D प्रोजेक्टर भी लगा सकता है, जिसे प्रोजेक्ट करने के लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन लेना होगा जो कि आपके पीसी के साथ साथ टीवी का भी काम करेगा। तो है ना ये खुशी की बात? तो तैयार हो जाइए अपने जीने का तरीका बदलने के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्द सभी गैजेट्स हकीकत बनने वाले हैं। वैसे नरेश, जब ये फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट गैजेट्स आ जाएंगे तो वो तो कमाल ही हो जाएगा, और उसके एप्स भी बिल्कुल धांसू होंगे, नहीं? वैसे अभी जो एप्स हैं वो भी कम धांसू नहीं है। ऑलराइट, तो हम एप्स के सेगमेंट में पहुंच गए हैं। तो नरेश, आज तुम कौन सी झक्कास ऐप के बारे में हमें बताने वाले हो? वो तो मैं बताऊंगा शहवा, लेकिन पहले ये बताओ कि धांसू, झक्कास, ये सारे वर्ड्स तुमने कहां से सीख लिए? जब हर जगह इतना इनोवेशन हो रहा है नरेश, तो मुंह से अपने आप ही ये निकल जाते हैं। तब तो फिर तुम कुछ और नए वर्ड ढूंढ लो शहवा, क्योंकि आज हम जिन एप्स की बात करने वाले हैं वो किसी भी तरह से धांसू से कम नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, अब तुम बताई दो कि किन एप्स के बारे में आज बताने वाले हो। आज हम बात करेंगे गूगल के एप्स की। गूगल की एप्स मतलब वो एप्स जो गूगल ने डेवलप की है, जैसे कि गूगल मैप, गूगल प्ले म्यूजिक, गूगल नाउ। अब इन एप्स में ऐसा क्या खास है? अरे वही तो बता रहा हूँ, जैसे कि गूगल की एक ऐप गूगल गॉगल्स के जरिए आप किसी भी फोटो की लोकेशन का पता कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल ट्रांसलेट के जरिए आप किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वेल वाकई गूगल ने बहुत ही बढ़िया और काम की ऐप बनाई है। अब गूगल मोबाइल का ओएस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी ऐसे ही तो नहीं बन गई है। और अगर बात करें कुछ ऐसे ऐप्स की जिन्होंने आपके स्मार्टफोन को और स्मार्ट बनाया है, देखते हैं। जब से गूगल ने एंड्रॉइड ओएस बनाया है, तभी से ऐप्स की डिमांड मार्केट में बढ़ी है। गूगल ने भी कुछ बहुत ही कमाल की ऐप्स बनाई है जिन्होंने आपके स्मार्टफोन्स को और भी स्मार्ट बनाने में हेल्प की है। उन्हीं एप्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल ट्रांसलेटर की। ये एक ऐसी ऐप है जिसे आपने वेब पर तो खूब यूज किया होगा, लेकिन अब ये स्मार्टफोन के लिए भी अवेलेबल हो गई है। इस ऐप की मदद से आप 70 लैंग्वेजेस को आपस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे आप कोई स्पेनिश लाइन का मतलब जानना चाहते हैं, तो आपको बस उस लाइन को कॉपी करना है और गूगल ट्रांसलेट ऐप में पेस्ट करना है। ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट कर देगा। गूगल की जिस ऐप के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं, सिर्फ उसी ऐप की बेसिस पर एक स्मार्टफोन का ऐड भी आया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं गूगल गॉगल्स की। ये एक ऐसी ऐप है जिसमें आप किसी फोटो या पिक को डालकर आप उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि ये किस जगह की पिक है। तो है ना ये कमाल की ऐप। आपको कोई फोटो अच्छी लगी तो अब आप उस फोटो की लोकेशन भी जान सकते हैं। गूगल मैप में उस फोटो की लोकेशन शो हो जाएगी।
तो उठाइए अपना स्मार्टफोन और ढूंढ लीजिए अपनी मनपसंद फोटो की लोकेशन। हम अगली जिस ऐप के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है गूगल नाउ। इसे एंड्रॉइड का सीरी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इसी तरह काम करती है। आप इसे वॉइस सर्च भी कह सकते हैं, लेकिन ये सर्च से कहीं ज्यादा काम की है। गूगल नाउ के जरिए आप अपने फोन को कमांड कर सकते हैं, वो भी बिना टच किए हुए। आप अपने फोन को टाइम बताने से लेकर सोशल अपडेट्स के लिए भी कमांड दे सकते हैं और गूगल नाउ की मदद से ये आपको सब कुछ बता सकेगा। इतना ही नहीं, आप गूगल नाउ के जरिए सोशल साइट्स पर अपना स्टेटस भी अपडेट कर सकते हैं। आपको बता दें कि गूगल ग्लास पूरी तरह से गूगल नाउ पर ही डिपेंडेंट है, वो भी गूगल नाउ के कमांड्स ही फॉलो करता है। तो डाउनलोड कीजिए गूगल नाउ और हैंड्स फ्री स्मार्टफोन का मजा लीजिए। हमारे लिस्ट में गूगल की अगली ऐप है गूगल ड्राइव। अरे ये आपको ड्राइविंग नहीं सिखाएगी, बल्कि आपकी स्टोरेज की प्रॉब्लम से आपको निजात दिलाएगी। इस ऐप के जरिए आपको गूगल 15 GB का स्टोरेज दे रहा है, जिसमें आप अपनी मनपसंद पिक्स के साथ डॉक्यूमेंट्स भी सहज कर रख सकते हैं और आप उन्हें कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, पीसी से भी और स्मार्टफोन से भी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी एप्स के लिए इतने सारे लॉगिन करने पड़ेंगे। नहीं, ये सारी एप्स आप अपने जीमेल के लॉगिन से एक्सेस कर सकते हैं। तो हुई ना ये कमाल की बात। तो अब बताओ शाइबा, ये एप्स क्या किसी से कम है? हाँ नरेश, कम तो ये किसी से भी नहीं है, पर भारी बहुतों पर है। बिल्कुल, भारी बहुतों पर। और एक बात और भी है कि गूगल अपने ऐप्स को लगातार फीचर से भरपूर रखता है, इनके अपडेट काफी रिलीज करता रहता है, तो आप इनके अपडेट्स भी इंस्टॉल करें ताकि आपकी ये ऐप्स पूरी तरह काम कर सके। जी हाँ, गूगल की ऐप्स तो पूरा काम करेगी ही, और हमें भी अपना काम करना है। हम अपना काम कर तो रहे हैं। वेल, मैं ब्रेक की बात कर रही थी और नरेश, हमें यहाँ ब्रेक लेना है। अच्छा, वो काम। वैसे शाहिबा, एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी। किस बात की? तुम्हें और कुछ याद रहे न रहे, ब्रेक लेना खूब याद रहता है। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मैं तो तुम्हारी पंक्चुअलिटी की तारीफ कर रहा हूँ। चाहे तारीफ करो या बुराई, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद भी है बहुत कुछ खास, और नरेश हम सबको बताने वाले हैं कुछ झक्कास बातें। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गैजेट दुनिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है गैजेट दुनिया में। शाइवा, इस 8 नवंबर को हॉलीवुड की एक बहुत ही कमाल की मूवी रिलीज हो रही है, जिसका नाम है थॉर। अरे नरेश, शायद तुम भूल रहे हो कि हम गैजेट दुनिया कर रहे हैं, रियल दुनिया का प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है शाइवा, लेकिन पहले पूरी बात तो सुनो। बताओ। इससे पहले कि मूवी हिट हो, इस मूवी का गेम हिट हो चुका है। तभी तुम्हें हॉलीवुड की याद आई। बिल्कुल शाइवा, और आज मुझे इसलिए भी याद आई कि जैसे मैंने आज प्ले स्टोर ओपन किया, सबसे पहले यही गेम शो कर रहा था। मैंने डाउनलोड किया तो पाया काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और फ्री भी है, और साथ ही एवेंजर्स ने इसे कई प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया है। इसका मतलब है कि हम ना ही सिर्फ आईफोन में बल्कि एंड्रॉयड डिवाइस में भी ये गेम खेल सकते हैं। बिल्कुल सही समझा शाइवा आपने। तो अब सीधे आपको लेकर चलते हैं इस गेम थॉर की फीचर राइट पर, जो इन दोनों स्टोर्स पर छाया हुआ है। आज हम आपको जिस गेम के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है थॉर द डार्क वर्ल्ड। जैसा ही आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये गेम मार्वल की थॉर मूवी के सेकंड पार्ट पर बना है। इस गेम में आपको थॉर बनकर दुनिया को बचाना है, और ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में पूरी तरह से फ्री है। लेकिन इससे पहले आप थॉर गेम डाउनलोड करें, हम आपको बता दें कि इसके लिए आपके डिवाइस में 1.6 GB का स्टोरेज फ्री होना चाहिए, तभी आप इस गेम का लुत्फ उठा पाएंगे। मोबाइल्स और टैबलेट्स के साथ ये ऐप प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए भी फ्री में अवेलेबल है। थॉर द डार्क वर्ल्ड के ग्राफिक्स काफी शानदार हैं। मिड एंड फोन्स में ये अटक कर चलता है, जिससे आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है, लेकिन हाई एंड फोन्स में ये गेम काफी अच्छा परफॉर्म करता है। इस गेम में आपको थॉर की शक्तियाँ दी गई हैं, जिनके जरिए आपको एविल फोर्स से टक्कर लेनी है और दुनिया पर आए खतरे को टालना है। ये गेम एक तरह से पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है, लेकिन ये किसी भी तरह से किसी भी गेम से कमतर नहीं है। प्ले स्टोर में फिलहाल इसे बहुत अच्छी रेटिंग्स मिली है, और सिर्फ 3 दिन के भीतर ही इसे हजारों लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। ये गेम स्टोरी लाइन पर बेस्ड है, साथ ही इस गेम में थॉर के साथी भी हैं, जिन्हें हीरोज ऑफ एजगार्ड का नाम दिया गया है।
तो इंतजार किस बात का, उठाइए अपना गैजेट और इंस्टॉल कर लीजिए ये गेम और थॉर बनकर दुनिया की मदद कीजिए। वाकई नरेश, गेम तो बहुत बढ़िया है और खास बात यह है कि गेम फ्री है। बिल्कुल, और ये सिर्फ गेम नहीं है शायद, आजकल के मूवीज के प्रमोशन का फंडा भी इसे आप कह सकते हैं। आज सिर्फ लेकिन हम गेम थॉर की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे किट कैट की भी। अब तुम्हें क्या हो गया नरेश, पहले हॉलीवुड की अब चॉकलेट की बात कर रहे हो? हाँ, मैं चॉकलेट की बात कर रहा हूँ, वो भी बहुत ही फेमस, लेकिन अफसोस शायवा तुम इसे टेस्ट नहीं कर पाओगी। क्यों, टेस्ट क्यों नहीं कर पाऊंगी? क्योंकि ये खाने वाली नहीं, स्मार्टफोन को चलाने वाली किटकैट है। यानी कि मैं गूगल के नए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड किटकैट की बात कर रहा हूँ, अब समझी? हाँ बिल्कुल, अब समझ आया कि आज नरेश इतनी बहकी बहकी बात क्यों कर रहा है। मैं कोई बहकी बहकी बात नहीं कर रहा शायवा, मैं तो ओएस की बात कर रहा था, जाने तुम ही क्या समझने लगती हो। मुझे क्या पता नरेश कि तुम किस किटकैट की बात कर रहे हो, बट हाँ इतना मैं जानती हूँ कि शायद गूगल ने अपने स्मार्टफोन नेक्सस 5 के साथ इसे लॉन्च किया है। जी शायवा, और गूगल का ये भी दावा है कि अब तक का सबसे फास्ट ओएस है और बहुत ही इजीली मल्टीटास्किंग कर सकता है। वेल ओके, लेकिन गूगल ने इसमें अच्छे बदलाव लाने की कोशिश कैसे की है? बताता हूँ आपको और सीधे जानते हैं और चलते हैं गूगल किटकैट के फीचर राइट पर, जहाँ इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन इसे खाइएगा मत, क्योंकि ये चॉकलेट नहीं मोबाइल ओएस है। गूगल ने अपने स्मार्टफोन गूगल नेक्सस 5 के साथ अपना नया ओएस भी एंड्रॉइड 4.4 मार्केट में उतार दिया है, और हर बार की तरह इस बार भी गूगल ने इसका नाम खाने के नाम पर ही रखा है। गूगल ने इस बार इसे किटकैट का नाम दिया है, जिसे हम सभी चॉकलेट के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एंड्रॉइड 4.4 का नाम किटकैट क्यों रखा गया? दरअसल गूगल और नेस्ले ने एक करार किया है, जिसकी वजह से इसका नाम किटकैट रखा गया है। किटकैट चॉकलेट के साथ गूगल के नेक्सस 7 टैबलेट जीतने का ऑफर भी चल रहा है, जिसमें किटकैट के रैपर के कोड के जरिए आप गूगल का नेक्सस 7 टैबलेट जीत सकते हैं। चलिए अब आपको किटकैट के फीचर से रूबरू कराते हैं। इस ओएस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि किटकैट पूरी तरह से वॉइस कंट्रोल्ड है, आपको बस ओके गूगल कहना है और आपका फोन तुरंत जाग जाएगा। इसके लिए आपको फोन को टच भी नहीं करना। लेकिन ऐसा ही एक फोन पहले से ही मार्केट में है, जिसका नाम है मोटो एक्स। मोटोरोला का ये फोन जेलीबीन के जरिए ही यही फीचर्स दे रहा है। तो दूसरा जो इम्प्रूवमेंट गूगल ने किटकैट में किया है, तो ये है कि अब मल्टीटास्किंग और इजी कर दी है। होम बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप रिसेंट एप्स पर स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल ने एंड्रॉइड की स्पीड पर भी काम किया है, और किटकैट अपने पहले के वर्जन से काफी तेज है और जल्दी रिस्पॉन्स करता है। किटकैट में बुक्स रीडिंग की ऐप को भी फुल स्क्रीन कर दिया है। अब टास्क बार भी बुक रीड करते वक्त नहीं दिखाई देता है, जिससे रीडिंग में काफी आसानी रहने की उम्मीद है। किटकैट की जो दूसरी बड़ी खासियत है वो ये है कि इसे हाई एंड हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, ये लो एंड फोन्स पर भी उतनी ही स्पीड में परफॉर्म कर सकता है। साथ ही किटकैट में बैटरी के कंजप्शन को भी सुधारने की कोशिश की गई है, अब एंड्रॉइड लो बैटरी में भी पहले से कहीं ज्यादा देर तक काम कर सकेगा, क्योंकि अब बैटरी लो होने पर सेंसर अपने आप इनएक्टिवेटेड एप्स और प्रोसेसेस को बंद कर देगा। किटकैट लोडेड फोन अभी सिर्फ गूगल नेक्सस 5 ही है, लेकिन जल्द ही किटकैट के फोन मार्केट में अवेलेबल होंगे, तब लो एंड फोन भी अच्छी स्पीड में काम कर पाएंगे। वैसे कहना पड़ेगा कि गूगल ने बढ़िया धमाका किया है, एक फोन के साथ एक ओएस भी लॉन्च किया है। वेल नरेश, इस फोन के बारे में कब हमें जानकारी देने वाले हो? जानकारी मिलेगी शायवा, लेकिन वो अगले एपिसोड में, क्योंकि आज का वक्त खत्म हो गया है। अगले हफ्ते पक्का तुम नेक्सस 5 के बारे में बात करने वाले हो? हाँ हाँ बिल्कुल शायवा, बिल्कुल पक्का, लेकिन अब इजाजत लेने का वक्त है सबको अलविदा कहने का, लेकिन सिर्फ अगले हफ्ते तक। आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल हमें दीजिए जाने की इजाजत। अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे गैजेट्स की नई बातों के साथ, और अगले हफ्ते नरेश हमें बताने वाला है गूगल की नेक्सस 5 के बारे में। तो देखते रहिए जानो दुनिया। नमस्कार। नमस्कार।